हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर में ग्रुप 15 को ख़त्म किया था, उसके बाद हमने ग्रुप 16 स्टार्ट किया था और ग्रुप 16 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप 16 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखा और साथ में ग्रुप 15 को नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके उन वीडियोज़ के लिंक्स उनको मिल जाएंगे, ठीक है। आज जो हम लोग फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं डाई ऑक्सीजन की तरफ, जो कि ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन में आपका मींस ओटू, ठीक है। और सबसे पहले डाई ऑक्सीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे लैब मेथड, ठीक है। लैब प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं और प्रिपरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जनरली प्रिपरेशन थ्रू लैब मेथड, ठीक है। लैब मेथड को हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लैब मेथड तो होता क्या, स्टूडेंट पर क्लोरेट को, पोटेशियम पर क्लोरेट को, KClO3 को अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, ठीक है। KClO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो ये फॉर्म करता है आपका KCl+3 mol O2, ठीक है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि हमने पर क्लोरेट को, पोटेशियम पर क्लोरेट को हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, और ये वो रिएक्शन है जिसको बर्जीलियस को, जिसके थ्रू मिला था कैटलिटिक, बर्जीलियस गॉट आइडिया ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो MnO2 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आपका MnO2, दिस MnO2 इज बिहेविंग एज योर कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, जो दूसरा मेथड हमारे पास में। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें, तो डिकम्पोजिशन के अंदर में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, हीट देके, और फिर क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में HgO है, HgO को अगर मैं हीट करूंगा अप्रॉक्सीमेट आपका 450 डिग्री सेल्सियस, तो HgO टूटता है आपका मरकरी प्लस ऑक्सीजन में, 2 moles ऑफ मरकरी, एंड साथ में आपका किसमें टूटेगा, आपका डाई ऑक्सीजन में। उसी तरीके से अगर मैं AgO2 को हीट करता हूँ अंडर 350 डिग्री सेल्सियस, देखो है क्या डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो हमें क्या करना है ऑक्साइड्स को तोड़ना है। तो सिंपली किसमें टूटेगा आपका, Ag+ 1/2 mole of O2 आपकी यहाँ पे रिलीज होगी। सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग Pb3O4 को भी हीट करेंगे, Pb3O4 क्या आपका एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड। मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सर्टेन यूजुअली दो तरीके के ऑक्साइड इसके अंदर में मिलेंगे, एक मिलेगा आपको PbO, ठीक है, और एक मिलेगा आपका PbO2, ठीक है, एक मिलेगा आपको यूजुअली PbO और एक मिलेगा आपको PbO2। तो यहाँ पे आपके पास में जो Pb3O4 है ये आपका एक मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड है, और फर्दर जो है स्टूडेंट्स ये डिकम्पोज होता है आपका लेड ऑक्साइड प्लस 1/2 mole of O2 में। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास में ये फर्दर आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग Pb3O4 को याद करते हैं, तो साथ ही साथ आपके पास में क्या होता है, अगर PbO2 है, PbO2 को भी अगर आप हीट करोगे, लेड ऑक्साइड को PbO2 को भी अगर आप हीट करोगे, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा आपका, 2 PbO+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास में एक रिएक्शन है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस देख लीजिए, यहाँ पे आपके इसमें 2 PbO और यहाँ पे 2 PbO 2 4, और वहाँ पे आपके पास में 1/2 mole of O2 आएगा, ठीक है। तो देर विल बी O2, तो ये आपके पास में PbO2 नहीं बनेगा, ये आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO फॉर्म करेगा और साथ में आपका O2 निकलेगा, तब आपके पास में रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो PbO प्लस आपका साथ में क्या निकलेगा, O2 निकलेगा, तो यहाँ पे सिंथेसिस आपकी डाई ऑक्सीजन की।
जैसे Pb3O4 है, आप Fe3O4 से भी अगर हम लोग देखें Fe3O4, तो Fe3O4 इज अगेन योर मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड। जो Fe3O4 है आपका, ये अगेन कैसा आपका एक मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड है। यानी कहने का मतलब ये है कि Fe3O4 के अंदर में आपके पास में FeO रहेगा और साथ में आपका रहेगा Fe2O3। ठीक है, FeO रहेगा और साथ में क्या रहेगा आपका Fe2O3। तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये फॉर्म करता है आपका FeO+ हाफ मोल ऑफ O2 और यहाँ पे आपका 3 FeO। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, इनको अगर आप हीट करोगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड आपको फॉर्म होते दिखेंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अगला जो हमारे पास में मेथड है, थर्ड मेथड इज फ्रॉम परऑक्साइड। वैसे और भी मेथड होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी बनते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिशन वगैरह में वो आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली मैं इस साइड ज़्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ से थोड़ा शेडो का दिक्कत रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड क्लियर विजिबल हो। तो अगर हम लोग परऑक्साइड की बात करते हैं तो H2O2 देखें, अगर हम लोग तो H2O2 को अगर हम लोग डिकम्पोज करा रहे हैं, ठीक है, H2O2 को डिकम्पोज करा रहे हैं, एंड दिस वन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। तो ये किसमें करना होगा आपका, H2O का डिकम्पोजिशन, H2O+O2। तो H2O2 का जो है रेडियली डिकम्पोज, ईजिली डिकम्पोजिशन हो जाता है, इट कैन बी ईजिली डिकम्पोज, इट कैन बी ईजिली डिकम्पोज, इट कैन बी ईजिली डिकम्पोज। इसको आप ईजिली डिकम्पोज कर सकते हो किसमें, H2O+O2 में। अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करें यहाँ पे, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, हाफ मोल ऑफ O2 फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो आपके पास में H2O2 है, ये आपका एक गुड रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में आप लोगों को, ये हाइड्रोजन चैप्टर है जो क्लास 11th में, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग H2O2 में देखें तो ऑक्सीजन के पास में जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे O2 फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आपके पास में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से यहाँ पे इसके पास में एक डिफरेंट तरीके की क्या सकती है, ये एक डिफरेंट टाइप का आपका, एक डिफरेंट टाइप का मतलब ये इस तरीके की प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी आ सकती है अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। नाउ फोर्थ मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग सीधा किस पर जाते हैं, हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड पे। ठीक है, अगर हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। तो हम क्या करते हैं, H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जिसमें आपके पास में H2 गैस एज वेल एज क्या जनरेट होगी, आपके पास में O2 गैस जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि होता क्या आपके पास में, कि जो आपके पास में वाटर है, जो आपके पास में H2O है, तो H2O आपका टूटेगा किस में, H2O विल कन्वर्ट इनटू HIN प्लस O2 गैस, और साथ में क्या निकलेगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये वाला जो स्टेप होने वाला है, दिस स्टेप इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एनोड, क्योंकि एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में जो H2O है, H2O जो आपका किस में कन्वर्ट होगा, आपका कन्वर्टिंग टू HIN प्लस O2। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 4 HIN से, और यहाँ पे आपके पास में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि आपके पास में यहाँ पे O2 प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसके अल्टरनेटिव में एक रिएक्शन होगी, जहाँ पर आपके पास में क्या होगा, जो H2O है, H2O आपका इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए उनको गेन करेगा और कन्वर्ट करेगा आपका H2 गैस रिलीज करेगा यहाँ पे, और आपका साथ में रिलीज करेगा OH- आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे आपके पास में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन बेसिकली कहाँ पे होता है आपका, रिडक्शन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका कैथोड में होने वाला है। तो ये रिएक्शन आपकी एनोड में हो रही है, और एक रिएक्शन किस में हो रही है आपकी, कैथोड में। तो जो O2 निकल के आया, दिस इज योर एनोडिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट है आपका, एनोडिक प्रोडक्ट है, दिस इज योर एनोडिक प्रोडक्ट। और ये जो H2 निकल के आया, दिस इज योर कैथोडिक प्रोडक्ट, दिस इज योर कैथोडिक प्रोडक्ट। ये कैसे आपके पास में एक कैथोडिक प्रोडक्ट है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास में वहाँ से आपके 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ठीक है, और साथ में आपके पास में 2H2 है, तो यहाँ पे आपके पास में
फोर इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्ट हुए तो फोर एच टू ओ यहाँ से और ये फोर ओ एच आयन आपके फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो एक आपके पास में कैथोडिक प्रोडक्ट मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको एनोडिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन की प्रिपरेशन को, फर्दर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को। तो हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख जानते हैं कि सिंपली हमारे पास में एयर है, एयर में आपके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन कैसी होती है आपकी, इट इज़ एन कलरलेस गैस। एक तो आपके पास में कलरलेस है, हमें दिखती नहीं है। दूसरा आपके पास कैसी है, ऑडरलेस गैस है। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या है, एंड सपोर्टर ऑफ कंबशन। किसका सपोर्टर है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी इसकी प्रेजेंस में आपका कंबशन होता है। आपने देखा भी होगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं पे आग जल जाए, अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो आपको मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे बर्निंग इंक्रीज कर जाएगी, कंबशन इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिक नेचर, इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा आपके पास में, एक पैरामैग्नेटिक नेचर की है। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा है कि इसके तीन आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप मिलेंगे आपको, थ्री स्टेबल आइसोटोप्स मिलेंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से आपके पास में, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 17 एंड ऑक्सीजन का 18। तो ये पूछ सकता है आपको कि कितने ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है, ये आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे आप क्या इनकी जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद डिफरेंट मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट ऐसे प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी दे रखी हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके पास में, लिक्विफिकेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन आपको ये मेन चीज़ें याद रखनी, यहाँ से आपका काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन तीन पॉइंट से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ इट कम्बाइंस विद डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। तो रिएक्शन विद एलिमेंट्स नेक्स्ट डाल दीजिएगा आप लोग, रिएक्शन विद एलिमेंट्स। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आपके पास में आपको मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ में ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, और फिर देन हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के ऑक्साइड्स आपके बनते हैं। फर्दर लास्ट में हमारा डिस्कशन रहेगा इसी पर रहेगा कि कितने टाइप के आपके ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए लेक्चर को, है ना, समझिए, पुराने लेक्चर्स को भी रिपीट कीजिए। देखिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा यूज़ कीजिए। ठीक है, हमारे पास में अगर जितना भी टाइम रहता है, मैं अगर पढ़ाई को लेकर ये यूटिलाइज़ करेंगे तो ये रहेगा कि आपको एक आगे मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो बच्चे अकेडमिक्स में भी स्कूलिंग में, तो उनके पास में एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि किसी अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकें, वहाँ से उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिले। और जब एक्सपोजर मिलेगा आपको, तो आप खुद ब खुद अब कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और आगे अच्छा स्किल करते जाएंगे, एक्सेल करते जाएंगे अपने फील्ड के उसमें। तो आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट बनाते रहिए, जिससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स को लेकर के, तो सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन को देख रहे हैं, तो सिंपली आपके पास में मेटल के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या फॉर्म करेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रिपरेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होती है ना, साथ उसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर इनका क्लासिफिकेशन भी करके दिखाऊंगा कि कितने कितने टाइप के आपके ऑक्साइड्स होते हैं। उससे क्या होगा आपको ईजिली याद हो जाएंगे इनकी नेचर भी, यानी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, सिंपल है, है ना, मतलब पारऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है ना, सिंपल ऑक्साइड्स है, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। उस तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस यानी नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट कराता हूँ O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा इसके, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑक्साइड्स बनते हैं, तो जैसे P2O3, P4O10, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑक्साइड्स आपके फॉर्म करते हैं, डिपेंड करता है सप्लाई पर। कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो सभी को पता है ना, लिमिटेड सप्लाई कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर एक्सेस सप्लाई दे दोगे, प्रेशर बढ़ाओगे ऑक्सीजन का, तो क्या बन सकता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। तो जैसे उसी तरीके से अगर हम लोग पास जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये जिंक ऑक्साइड भी बनाएगा और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरीके से आपके पास में रिएक्शन जनरेट होती है, तो 3/2 आप लोग ले लीजिए। फिफ्थ जो है आपका कंबशन ऑफ मीथेन देख लीजिए, तो कंबशन ऑफ मीथेन में क्या निकलता है आपके पास में, CO2+, साथ में क्या निकलता है आपके पास में, डिफरेंट ऑक्साइड बनते हैं।
तो ये सारे रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। और यहीं से हम लोग डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपके ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसी तरीके से देखिए बेटा, एक रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे कि अगर SO2 को रिएक्ट कराते हैं हम O2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये रिएक्शन आपके पास में एक जगह पे आएगी जहाँ पे हम लोग सीखेंगे H2SO4 का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करने वाला आपका SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या रहने वाली है आपकी, हाफ मोल ऑफ O2 की सप्लाई रहने वाली है। तो सिंपल यही नहीं है, और भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर भी आप देख सकते हो, है ना, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे सल्फर आपका +4 है और +4 में किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है ऑक्सीजन। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो सिर्फ यही रिएक्शन नहीं दी गई है, एक रिएक्शन और भी आपके पास में, अगर हम लोग क्या करते हैं HCl को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2 में और साथ में कैटालिटिक CuCl2 ले लेते हैं, ठीक है, साथ में हम क्या ले लेते हैं CuCl2 लेते हैं। देखिए Cl यहाँ पे आपके पास में -1 ऑक्सीडेशन में, और अगर Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, Cl2 में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात है, ये किसमें कन्वर्ट होने वाला आपका Cl2 में, और साथ में क्या निकलने वाला है पानी, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना, बिना पानी के थोड़ी निकलोगे आप वहाँ से। तो आपके पास में साथ में क्या निकलेगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। तो हाफ मोल ऑफ O2 ले लो। तो यहाँ पे जरूरी के इन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्या आपके पास में, इन दोनों में आपके पास में इंपॉर्टेंट है जो ये कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक में आप V2O5 यूज़ कर रहे हैं और एक में आप लोग CuCl2 यूज़ कर रहे हैं। तो CuCl2 यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपकी रिएक्शन जो है कैटलिटिकली ऑक्साइड रिएक्शन है, मतलब कैटलिटिक ऑक्सीडाइज रिएक्शन है कैटलिटिकली। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन तो देख ली, ठीक है, ऑक्साइड्स की हम लोगों ने प्रिपरेशन देख ली है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में पहला आपके पास में क्लासिफिकेशन है, सिंपली किस किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आपके पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे पहले टाइप के आपके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास में नॉर्मल ऑक्साइड है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से आपके ये ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखो बेटा, आपके पास में ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे आपके पास में क्या आने वाला है, चार्ज -2 एक ऑक्सीजन पे, तो ये आपका -2 बन रहा है। एंड ये जो आपके पास में दिस इज योर ऑक्साइड, ये क्या आपके पास में ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आपके पास में ऑक्सीजन का आधा बॉन्ड टूट रहा है, अगर आधा बॉन्ड टूट रहा है तो आधा बॉन्ड टूटने पर यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, मतलब ये मान के चलो एक बॉन्ड टूट रहा है पूरा का पूरा, वहाँ ऊपर दो टूटे थे, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ -1 आएगा और यहाँ फॉर्म करता है O2-2 एंड दिस इज योर पर ऑक्साइड, ठीक है। और देन आपके पास में क्या होता है, अगर मान लो आधा बॉन्ड टूटता है तो यहाँ -1 आता है और यहाँ -1 आता है और ये फॉर्म करेगा आपका O2-, तो दिस इज योर सुपर ऑक्साइड। ये कैसा आपके पास में, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के तीन फॉर्म आप लोग अवेलेबिलिटी के बेसिस पे बता सकते हो, एक ऑक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड और एक क्या आपके पास में, एक आपके पास में पर ऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंट आपके पास में ऑक्साइड्स यहाँ पे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी होते हैं, सब ऑक्साइड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है इस तरीके से आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड होगा इसमें क्या होगा आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी सफिशियंट ऑक्सीजन है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल जो ऑक्साइड्स होते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देखो मेन तो ये तीनों ही ऑक्साइड्स हैं आपके अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, है ना, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनके अलावा भी होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे CO2 हो गया तो दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है -2 की फॉर्म में, ठीक है। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में जो है जो वैलेंसी है नॉर्मल वैलेंसी में एग्जिस्ट करेगा ऑक्सीजन, नॉर्मल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे आपके पास में नॉर्मल वैलेंसी में एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। साथ में इसका दूसरा भाई आता है दैट इज पॉलीऑक्साइड का मतलब क्या है, जहाँ पे एक्सेस सप्लाई दे दी हमने, है ना, काफ़ी आपके पास में एक्सेस सप्लाई दे दी है,
तो अगर एक्सेस सप्लाई दे दिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपके लार्ज अमाउंट में भी एग्जिस्ट करेंगे ना, है ना। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं P4O10 हो गया आपका, है ना, P4O10 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस तरीके के आपके कंपाउंड फॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। थर्ड इज योर, सी इज योर, चलते हम लोग परऑक्साइड की तरफ, ठीक है, चलते हम लोग किसकी तरफ, हम चलते हैं परऑक्साइड की तरफ। तो याद रखना तीन ऑक्साइड Na2, ठीक है, दूसरा आपके पास में H2O2 और तीसरा आपके पास में BeO2, क्योंकि इसकी भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वहाँ पे आपके पास माइनस, और तीसरा आपके पास में SrO2। ये तीन ऑक्साइड जो है आपके बेटा, ये परऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम का परऑक्साइड, हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, स्ट्रॉन्शियम का, ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम और स्ट्रॉन्शियम, ये तीन याद रखना आप लोग, ठीक है। सिंपली इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको इसके ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम का, हाइड्रोजन का, बेरिलियम का और स्ट्रॉन्शियम का, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। नाउ ये तो था आपके पास में, हमने डिस्कस किया ऑन द बेस, हम लोग डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, तो तीन हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। सी पर चलते हम लोग, तो एक तो ऑक्साइड हो गया आपके पास में, एक पर ऑक्साइड हो गया, तो तीसरा क्या बचा आपके पास में, सुपर ऑक्साइड। तो थर्ड वन इज योर सुपर ऑक्साइड। देखो सप्लाई कम कर दोगे, देखो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो अमाउंट पर कितना अमाउंट आप दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा फॉर्मेशन, और दूसरा डिपेंड करेगा कि किस तरीके के एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो सराउंडिंग एटम है कौन सा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूँ, आपको याद कराने की कोशिश करूँ, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का साइज छोटा है, तो अगर लिथियम का साइज छोटा है तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सोडियम का साइज जब बड़ा हो जाता है तो किस पर जाता है, परऑक्साइड पे, यानी एक बॉन्ड तोड़ता है। तो उसके बाद पोटेशियम की बात आती है, पोटेशियम रुबिडियम की बात आती है, तो पोटेशियम रुबिडियम का साइज फर्दर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो क्या फॉर्म करते हैं आपके, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, आप साइज के बेसिस पे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके पीछे एक्चुअली क्या थ्योरी है, थ्योरी ये बोलती है कि जो जिस तरीके का एटम होता है ना, वो उसके साथ वैसा इंटरेक्ट करना चाहता है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसका साइज उसके कंपेरेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ा सीजियम साइज ला दीजिए और ऑक्सीजन छोटा है, तो साइज़ का कुछ कंपेरेबिलिटी नहीं है। तो यूजुअली होना क्या है यहाँ पे, यही होना है कि जिन एटम्स का साइज कंपेरेबल है उनके साथ उस तरीके की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो लिथियम और ऑक्सीजन में इतनी स्ट्रांग बॉन्ड होती है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दें। उस तरीके से बेरिलियम की तरफ जाते हैं हम लोग, सेकंड ग्रुप की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलने लग जाता है। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप भी है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम और लिथियम का साइज कंपेरेबल भी होता है, ठीक है, तो वो भी क्या फॉर्म करने लग जाता है आपका, मैग्नीशियम। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपका इंट्रैक्शन के बेसिस पे डिफरेंट कंपाउंड आपका फॉर्म होते हैं। तो सुपर ऑक्साइड की बात करें हम लोग, तो सुपर ऑक्साइड के केस में एक तो आपका वही पोटेशियम हो गया, फिर आपके पास में रूबीडियम हो गया, और देन आपके पास में सीजियम हो गया, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप के सुपर ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये आपके पास में जो KO2 है, यहाँ पे आपके पास में लिमिटिंग, इनके बारे में एक खास बात और भी बता देता हूँ मैं, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट आपका दो तरीके की ब्लीचिंग होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्पररी होती है। परमानेंट जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, और जो टेम्पररी होती है वो आपकी रिड्यूसिंग नेचर की होती है। डिफरेंट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग, दैट इज सब ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन के जो आप लोगों को सिर्फ सब ऑक्साइड मिलता है, तो कार्बन का एक सब ऑक्साइड मिलता है C3O2-, तो क्या है आपका Na2C3O2, ठीक है, Na2C3O2, ठीक है। तो सिंपली क्या आप जो रिएक्शन आपके पास में सिंपल क्या होती है आपके पास में Na2O और साथ में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं, तो सीधा किस में कन्वर्ट होता है आपका C3O2 में कन्वर्ट होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक है आपके पास में, मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये डी था, ई जैसे मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स ऑक्साइड को हम लोग, अगर आप लोग हायर क्लासेस में आएंगे तो स्पाइनल्स भी बोलते हैं, मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि आपके पास में Fe3O4 हो गया, है ना, उसके बाद आपके पास में Cr3O4 हो गया,
इस तरीके के जो ऑक्साइड्स हैं आपके पास में, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको Pb3O4 भी बताया था, वो भी लिख लीजिए, काफ़ी बार बार याद लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपका, ठीक है। लास्ट वन इज योर सेस्क्वी ऑक्साइड। तो सेस्क्वी ऑक्साइड में अगर हम लोग देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3, तो यहाँ पे आपका एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड है, लेकिन इनकी रेशियो देखिए आप लोग 2:3, ठीक है। तो दो एल्युमिनियम और तीन किसके आपके हैं, ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से, उसी तरीके से जैसे Cr2O3, दिस इज योर सेस्क्वी ऑक्साइड। तो यूजली इनको डिवाइड करके 1.5 आने वाला है, तो 15 जो टर्म होता है दैट बेसिकली योर सेस्क्वी टर्म, इस तरीके से निकल के आता है, नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये कौन से ऑक्साइड थे, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड जो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो थर्ड टाइप के जो हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। थर्ड जो हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो इसमें अगर हम लोग देखें सबसे पहले आपका कौन सा नेचर होता है, सबसे पहले आपके पास में एसिडिक ऑक्साइड, है ना। अगर हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड को। तो एसिडिक की बात करें तो जनरली आपके कौन से ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिकली क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे जो आपके पास में यूजुअल जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज योर नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे यूजुअली कैसे होते हैं, यूजुअली आपके पास में एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो फर्दर टूट जाता है H2O+CO2 में, ये किस में टूट जाएगा, H2O+CO2 में। तो ये हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया और हम लोगों को एसिडिक एसिड मिला, तो यानी यूजुअली क्या आपके पास में वो एसिडिक ऑक्साइड है ना, इस तरीके से। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, उसी तरीके से SO2 को रिएक्ट करा दो किस साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बन जाएगा आपका H2SO3 बन जाएगा। तो अगेन दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड क्या हो गया आपके पास में, सल्फ्यूरस एसिड इज योर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे बेसिकली आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो आपका एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नाइट्रोजन के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, N2O3 हो गया, है ना, N2O5 हो गया, दीज आर योर बेसिकली व्हाट, दीज आर योर एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर, N2O5, N2O3, है ना, N2O4 हो गया आपका, है ना। तो ये सारे के सारे आप लोग ध्यान में रखिएगा, N2O4 भी आप लोग मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास में दैट इज योर सेकंड कैटेगरी जो आने वाली है, दैट इज योर बेसिक ऑक्साइड। सेकंड जो कैटेगरी आने वाली है दैट इज योर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास में दैट इज योर बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बेसिक ऑक्साइड बेसिकली कौन से होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, है ना। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं तो वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक नेचर के हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम को रिएक्ट कराया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट कराया, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है ना ये। अब भी यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपके पास में नॉन मेटल के ऑक्साइड थे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा था तो ये क्या फॉर्म कर रहे थे, ये फॉर्म कर रहे थे आपका एसिड फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे आपका मैंने मेटल के ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो मेटल के जो भी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे आप लोग, तो क्या बनाएगा वो, जनरली आपका वो जनरली आपके पास में बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करेगा, ठीक है। थर्ड इज योर न्यूट्रल ऑक्साइड। थर्ड जो आपके पास में कौन सा होगा, थर्ड की अगर हम लोग बात करें, एसिडिक हमने लिख लिया, थर्ड इज योर न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में तीन आप लोग याद रखिए कौन कौन से, एक तो मैंने पहले भी याद करा है, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे कैमरा दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो यूजुअली आपके पास में जो है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तीन ऑक्साइड्स होते हैं, दैट इज योर NO, N2O, CO और H2O, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फोर्थ वन इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर में कुछ ऑक्साइड्स हैं, मैं जिनको बताऊंगा आप लोगों को, जिन जिन मेटल के,
ठीक है। तो सिंपली ये जो ऑक्साइड्स आपके पास हैं, ये जितने भी मैंने आपको ऑक्साइड्स लिखे हैं, इनके ऑक्साइड्स जो है जिंक के, एल्युमिनियम का, बेरिलियम का, क्रोमियम का, दिस इज योर सीआर, क्रोमियम, गैलियम, लेड और टिन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली किस नेचर के होते हैं, वो आपके एसिडिक एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यानी अगर मान लो बात मैं किसी भी इनमें से ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो सॉल्ट प्लस क्या देगा, वो वाटर ही देगा, ठीक है। अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वहाँ पे भी क्या देने वाला है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर ही देने वाला। तो जैसे SNO2 SNO को रिएक्ट कराया मैंने NaOH के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, Na2SNO2, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपके पास में 2HCl है तो 2Cl आपका और 2Na है, तो इसको आप लोग इस तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है डाइऑक्सीजन के बारे में इस लेक्चर के अंदर में, फर्दर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ जो आप लोग एनसीआरटी को रीड आउट कीजिए, एनसीआरटी के क्वेश्चंस को कीजिए, लाइन टू लाइन पढ़िए एनसीआरटी को, आपको आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट, कीप शेयरिंग अवर वीडियो, और इसी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट आपका हमारा पहुँच सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।